मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर हैं एंड आप किसी के घर में गए हैं उसके घर का रिव्यू देने के लिए, लेकिन वहां पर आपको एक साइको लड़की मिल जाए तो आपके साथ क्या होगा। आज की वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। इनका नाम माइक और क्लेयर है। इनका सुपर होस्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ ये रेंट पर दिए जाने वाले घरों का रिव्यूज देते थे। हमें पता चलता है इनका यूट्यूब चैनल थोड़े टाइम पहले काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन अब इनके सब्सक्राइबर दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। इनको अपना गुजारा चलाने के लिए माइक के फादर से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से इनका रिलेशन काफी ज्यादा इसके फादर के साथ खराब हो चुका था। इतनी तंगी होने के बावजूद माइक क्लेयर को अगली ट्रिप में प्रपोज करने का प्लान बना लेता है। उनकी वैकेशन का डेस्टिनेशन पहाड़ियों पर बना हुआ काफी सुंदर घर था, जिसमें रहने का वो सपना काफी दिनों से देख रहे थे, एंड फाइनली उनका ये सपना आज सच हो गया था। इस घर की होस्ट का यूजर नेम बेटिलियो 52 है एंड इस घर का रिकॉर्ड काफी साफ सुथरा था। अब माइक और क्लेयर उस घर के मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उनको पासवर्ड बताया गया था वो गलत था, तो वो उस घर की होस्ट को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से उनका फोन नहीं मिल पा रहा था। अब वो थोड़ा बोर हो रहे थे तो वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट करने लग जाते हैं। तभी उनके पीछे एक लड़की आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख के क्लेयर काफी ज्यादा घबरा जाती है। एंड ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इस घर की होस्ट होती है, एंड इसका नाम रेबेका है। रेबेका दिखने में काफी ज्यादा अजीब थी एंड उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी थी। दरअसल रेबेका ने अपने सिक्योरिटी कैमरे से इन दोनों को घर के बाहर खड़ा हुआ देखा था, इसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी। अब वो दोनों उससे सिक्योरिटी लोग के बारे में पूछते हैं कि सिक्योरिटी लोग काम क्यों नहीं कर रहा। तो रेबेका उनको बोलती है कि आपसे पहले जो यहाँ पर रहते थे वो ये घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए उसने सिक्योरिटी लोग को चेंज कर दिया था, और जल्दबाजी में वो नया सिक्योरिटी लोग इस कपल को नहीं दे पाई। अब रेबेका गेट खोल देती है एंड वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आके ये दोनों देखते हैं कि ये घर सेम वैसा ही दिखता है जैसे इन्होंने वेबसाइट में देखा था। एंड घर के होस्ट का इंट्रोडक्शन लेने के लिए क्लेयर जैसे ही कैमरा निकालती है, रेबेका ऐसे डर जाती है मानो उसने कैमरा नहीं बल्कि भूत देख लिया हो। रेबेका को ऐसा करता हुआ देख क्लेयर काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने रेबेका को पहले ही बता दिया था कि वो दोनों एक यूट्यूबर हैं एंड वो इस घर में थोड़े दिन रहकर इस घर का रिव्यू देंगे। ये बात सुनकर रेबेका अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए रेडी हो जाती है। इन दोनों की बात हो ही रही होती है कि पीछे से माइक आ जाता है और रेबेका को बोलता है टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा है। तो रेबेका उसको बोलती है मैं कल दोबारा वापस आऊंगी टूल के साथ और फ्लश को रिपेयर कर दूंगी। रेबेका के जाने के बाद वो अपने सब्सक्राइबर के लिए एक क्विक हाउस टूर वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो घर के बारे में बता रहे होते हैं कि ये घर चारों तरफ से सिक्योरिटी कैमरों से सर्वेलांस है एंड इस घर में स्टोरेज रूम में एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, और इतनी बड़ी खिड़कियां होने के बावजूद इस घर में एक भी पर्दा नहीं है। वीडियो शूट करने के बाद वो वीडियो को अपलोडिंग पे लगा देते हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क की काफी ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से वीडियो काफी लेट अपलोड हो रही थी। तो वो वीडियो को अपलोडिंग पे लगाकर बाहर आ जाते हैं एंड बाहर आकर वो अपनी खराब सिचुएशन के बारे में बात करने लगते हैं। क्लेयर माइक को बोलती है कि इस टाइम हम काफी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो माइक उसको बोलता है कि जब हम दोनों साथ हैं तो डरने की क्या बात है। उस रात माइक को नींद नहीं आ रही होती, तो वो अपना लैपटॉप चेक करता है, जिसमें वो ये देखता है कि उनकी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो वो परेशान होकर बाहर जाके खड़ा हो जाता है। अब उसे सामने की तरफ एक परछाई दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी डरावनी थी, और इस परछाई की आंखें चमक रही थी। तभी वहां पर क्लेयर आ जाती है एंड क्लेयर के आने के बाद जब माइक दोबारा उस परछाई को देखता है तो वो ये देखता है कि वो परछाई वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर माइक काफी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन इनकी आंख खुलती है एंड माइक अपना फोन चेक करता है, जिसमें यूट्यूब की तरफ से मेल आ रखी थी। एंड जब वो मेल ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका चैनल सस्पेंड हो चुका है। एंड ये चैनल सस्पेंड इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों ने अपनी वीडियो में इस घर के बैड रिव्यूज दिए थे। ये मेल देख के क्लेयर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वो यूट्यूब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मिला देती है, लेकिन वहां पर नेटवर्क इशू होने की वजह से कॉल नहीं मिल रही थी। तो वो बाहर आकर दोबारा कॉल ट्राई करती है। इतने में रेबेका भी वहां पर आ जाती है और क्लेयर को फोन पे बात करता हुआ देख उसको डिस्टर्ब करने में लग जाती है। क्लेयर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उससे कि वो उसको ये बोल देती है कि अंदर जाकर माइक से बात करो। अब रेबेका अंदर आकर टॉयलेट रिपेयर करने में लग जाती है एंड जब उससे टॉयलेट रिपेयर नहीं होता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। ये देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था
कि कैसे कोई इतना स्वीट पर्सन इतनी जल्दी गुस्सा करने लग गया। आखिरकार वो थकार कर माइक को बोलती है कि मैं कल किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी जो आपका टॉयलेट रिपेयर कर देगा। इतने में क्लेयर भी अंदर आ जाती है और माइक को बोलती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा यूट्यूब में बात करने का, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। उन दोनों को उनके चैनल की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो बाहर टहलने के लिए आ जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में बात हो रही होती है तो क्लेयर बोलती है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर इतने कम हैं तो शायद हमारे को यूट्यूब वीडियो डालनी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इसके रिप्लाई में माइक बोलता है कि मुझको तुम्हारे साथ वीडियो डालना अच्छा लगता है एंड हम दोनों ऐसे ही एक साथ वीडियो डालते रहेंगे। अब क्लेयर घर पे आकर अपनी वीडियो एडिटिंग करने लगती है, जिसमें वो नोटिस करती है कि रेबिका का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। अब वो जब रात में सो रहे होते हैं तो उनको काफ़ी अजीब आवाज़ आती है जिससे उन दोनों की आंखें खुल जाती है। क्लेयर माइक को बोलती है कि तुम नीचे जाके चेक करो। अब वो नीचे जाके चेक करता है तो ये देखता है कि सिक्योरिटी लोग अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। तभी उसको दोबारा से आवाज़ आती है जो कि बाथरूम से आई थी, एंड बाथरूम में जब वो जाके देखता है तो वो ये देखता है कि उनकी टॉयलेट सीट में नकली दांत फंसे हुए हैं एंड ये दांत निकालने के बाद टॉयलेट फ्लश बिल्कुल सही हो चुका है। अगले सुबह माइक की आंख खुलती है एंड वो अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें लिखा हुआ था कि उनका यूट्यूब चैनल रिकवर हो चुका है, तो वो नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो ये देखता है कि रेबिका रसोई में है, जिसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं जहाँ रेबिका ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ था। वो खाने के बाद क्लियर सिक्योरिटी कैमरा में देख के रेबिका को थैंक यू बोलती है। तभी सिक्योरिटी कैमरे से वेलकम की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब उनको लग रहा था कि रेबिका उन पर स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी कैमरे से नज़र रख रही है। अब वो दोनों ठान लेते हैं अपने व्यूवर्स को रेबिका के बारे में बताने के लिए कि कैसे एक होस्ट अपने टैलेंट के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा से नज़र रखती है। माइक अब सिक्योरिटी कैमरा को बंद करने वाला था तभी खिड़की में से पत्थर बड़ी तेज की आता है जो कि माइक को लगने से बच जाता है। अब वो दोनों जल्दी से जाके बाहर चेक करते हैं कि पत्थर किसने फेंका है। वहाँ पर वेरा नाम की एक लेडी खड़ी हुई थी जो कि इस घर की सेकंड होस्ट है। वो उन दोनों पे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे घर का बैड रिव्यू दिया जिसकी वजह से हमारे को किराएदार मिलना बंद हो गए एंड मैंने ही तुम्हारी यूट्यूब पर वीडियो रिपोर्ट करी थी जिससे तुम्हारा चैनल ब्लॉक हुआ। अब उनकी बहस सुन के रेबिका भी वहाँ पर आ जाती है एंड जैसे ही रेबिका टूटी हुई खिड़की को देखती है वो वेरा को बोलती है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। वेरा रेबिका को समझाती है लेकिन रेबिका उसकी बात नहीं सुनती बल्कि उसी पे ही गुस्सा करने लगती है जिससे वेरा को वहाँ से जाना पड़ता है। अब रेबिका उन दोनों को बोलती है कि तुम्हारे को मेरा इंटरव्यू लेना था एंड मेरे पास अब काफ़ी फ्री टाइम है तो क्यों ना मैं तुम्हारे को इंटरव्यू दे दूँ। जिस बात को सुन के वो दोनों एग्री कर लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि रेबिका काफ़ी ज़्यादा नर्वस है एंड माइक के पहले क्वेश्चन के बाद वो बताती है कि ये घर उसके फादर की आखिरी निशानी है, इसलिए वो इस घर को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखती है। अब रात में जब वो वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि रेबिका बिल्कुल पागलों वाला बिहेव कर रही है इंटरव्यू में। ये देख के क्लेयर बोलती है कि व्यूवर्स को पागल लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए हमें रेबिका की और वीडियोस लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन कंप्यूटर पर बैठा हुआ माइक अपने व्यूवर्स को एक सीक्रेट अपडेट देता है कि कल की डेट में वो क्लेयर को प्रपोज कर देगा, लेकिन ये बात पीछे खड़ी हुई रेबिका सुन रही होती है। अगले दिन वो जंगल में घूम रहे होते हैं एंड क्लेयर अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रही होती है। तभी माइक उसको वीडियो बनाने के लिए मना कर देता है और उसको प्रपोज कर देता है। ये देखकर क्लेयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्लेयर अपना कैमरा ऑन करके उसको दोबारा से प्रपोज करने के लिए बोलती है, लेकिन माइक ऑन कैमरा उसको प्रपोज नहीं करना चाहता था और इस बात से माइक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब वो दोनों घर पे आ जाते हैं। घर पे आके वो ये देखते हैं कि उनका जो लैपटॉप है वो घर के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है एंड उस लैपटॉप में रेबिका की वीडियो चल रही है एंड साथ में उनको एक चिट्ठी भी मिलती है जो कि बैटी लाओ के नाम की होती है एंड ये नाम बिल्कुल इस घर के यूज़र नेम से मिलता जुलता था, जिसको देख के माइक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तो वो इस घर से जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्लेयर उसको बोल रही होती है कि इस घर में रहकर हम और भी वीडियो शूट कर पाएंगे, तो माइक उसको मना कर देता है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से। थोड़ा आगे जाके उनको रेबिका रोड के बीच में खड़ी हुई मिलती है, जिसकी वजह से उनको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। अब रेबिका उनसे हंसते हुए पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, जिसके जवाब में वो बोलते हैं कि उनको कुछ अर्जेंट काम है। अब रेबिका उनको बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे कंटेंट के लिए कुछ चीज़ है तो चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हालांकि थे तो वो यूट्यूबर ही,
तो वो अपना कैमरा स्टार्ट करके रेबिका के पीछे जाने लग जाते हैं। इस बार रेबिका ने अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह दिया था। ये देख के क्लेयर को काफ़ी अजीब लगा। अब वो जंगल के अंदर चले जा रहे थे एंड जितना वो जंगल के अंदर जा रहे थे उतने रेबिका की हरकतें चेंज हो रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रेबिका के अंदर कोई आत्मा आ गई हो। वो पागलों की तरह हंस के उनको बार बार डरा रही थी एंड इनके अंदर भी कंटेंट की चूल थी, इसलिए वो उसके पीछे जाए जा रहे थे। मैं होता तो बिल्कुल नहीं जाता। आखिरकार ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वैरा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। अब रेबिका अपनी जेब से चाकू निकाल कर क्लेयर को बोलती है कि यहाँ पर जो भी हो तुम उसको रिकॉर्ड करना। साथ में उन दोनों को ये भी बोलती है कि तुम्हारे को यहाँ पर रहकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। वो वेरा से माफ़ी मांगते हुए उसके मुँह के अंदर चाकू घुसेड देती है और उसके पेट में चाकू घुसेड़ती रहती है। ये देखकर माइक और क्लेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते भागते उनका कैमरा पीछे छूट जाता है और वो कैमरा रेबिका को मिल जाता है। अब रेबिका बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह उस कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लगती है। साथ में ही क्लेयर और माइक को ढूंढने लग जाती है। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर आकर घर को लॉक कर देते हैं। अब माइक को जब ऐसा लगता है कि उसको पुलिस को फ़ोन मारना चाहिए तो वो घर के बाहर जाता है, लेकिन जंगल की तरफ से रेबिका की आवाज़ आ रही थी तो वो जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। अब वो सिक्योरिटी अलार्म के अंदर लगे हुए पुलिस के बटन को दबाते हैं, लेकिन रेबिका ने वो बटन पहले से ही ऑफ करके रखा हुआ था। तभी उनकी नज़र खिड़की पे खड़ी हुई रेबिका पे जाती है जिसके हाथ में उनके कार की चाबी होती है। वो रेबिका को खिड़की के बाहर टहलता हुआ देख रहे थे एंड रेबिका दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अब रेबिका जैसे ही मेन गेट पे पहुँचती है वो दोनों उस गेट को कवर करके रेबिका को बोलते हैं कि हमने जो भी तुम्हारी फुटेजेस ली है उसको हम डिलीट कर देंगे, प्लीज़ हमारे को यहाँ से जाने दो। लेकिन रेबिका बिना रिएक्ट करे हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। क्लेयर उसी स्टोरेज रूम में चली जाती है जिसके अंदर जाना मना था। अंदर जाके वो ये देखती है कि अंदर स्लीपिंग बैग और कंप्यूटर रखा हुआ है और उस कंप्यूटर के अंदर सारे सिक्योरिटी कैमरों का एक्सेस भी होता है। अब क्लेयर को रियलाइज़ होता है कि इस कंप्यूटर में इंटरनेट का एक्सेस है, तो वो जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेती है और एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो इस जगह पे फंस चुके हैं एंड उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस को यहाँ पर भेज दिया जाए। अब वो वीडियो अपलोड कर देती है लेकिन इंटरनेट के स्लो होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही होती। तभी उसको रियलाइज़ होता है उसके पीछे रेबिका आ गई है। रेबिका उसको बताती है कि मेरे मोबाइल में हर चीज़ का एक्सेस है, मैं तुम्हार को कहीं से भी सुन सकती हूँ। दूसरी तरफ माइक जो कि सिक्योरिटी कैमरे में देख रहा था तभी उसको स्टोरेज रूम से बड़ी तेज़ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से भागते हुए स्टोरेज रूम में जाता है। अंदर आके वो ये देखता है कि रेबिका ने क्लेयर के बाल पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है। माइक कुछ बोलता उससे पहले रेबिका ने क्लेयर की गर्दन काट दी थी। ये देख के माइक अपने आप को जैसे ही बचाने के लिए भागता है, रेबिका उसके पेट में चाकू मार देती है और वो घायल हो जाता है। वो किसी ना किसी तरीके से बाहर तो आ जाता है लेकिन चाकू लगने की वजह से उसका काफ़ी सारा खून निकल गया था जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी रेबिका भी वहाँ पर आ जाती है। उसको वहाँ देखकर माइक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रेबिका अब कैमरा निकालकर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हो। साथ में ही कैमरे में देख के बता रही होती है कि मैंने आज दो शिकार तो कर लिए लेकिन अब मैं तीसरे शिकार के लिए उसके पीछे पीछे चल रही हूँ। दूसरी तरफ माइक चलते चलते एक चीज़ से टकरा जाता है एंड वो चीज़ एक लाश थी, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की थी जिनको इनके आने से पहले रेबिका ने ये मकान रेंट पे दे रखा था एंड साथ में उस इंसान की बिल्ली को भी रेबिका ने वहीं पे मार दिया था। माइक बचते बचाते किसी तरह से अपनी कार के पास आ जाता है एंड जैसे ही वो गेट खोलता है लेकिन गेट लॉक होता है, तो वो अपना फ़ोन निकाल कर पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं थे। अब हम देखते कार के अंदर से आवाज़ आ रही होती है तो वो अपनी जान बचा के कार के पीछे जाके छुप जाता है। अब हमें पता चलता है जो कार में से आवाज़ आ रही थी वो रेबिका खुद कर रही थी। कार के पास माइक उसको बेहोश मिलता है तो वो ज़मीन पे कैमरा रखकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। वो माइक की जेब चेक करती है जिसमें उसे इंगेजमेंट रिंग मिलती है, तो वो रिंग निकाल कर खुद पहन लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। रेबिका ने चाकू माइक के अंदर घुसेड़ के उसको मार दिया। अब हम देखते हैं रेबिका माइक की बॉडी को कार के अंदर डालकर वापस घर पे ले आई है।
घर पे आते के साथ ही उसने पहले अपने हाथ धोए। अब जैसे ही वो क्लेयर की बॉडी उठाने के लिए स्टोर रूम में आती है तो वो ये देखती है कि क्लेयर ने जो वीडियो अपलोड की थी वो यूट्यूब पर लाइव हो चुकी है एंड उसको काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने देख भी लिया है। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो उस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है कि इनकी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आए हुए थे वो सब इस वीडियो को फेक बता रहे थे, क्योंकि इस कपल ने जितने भी रिव्यूज दिए थे वो सारी फेक चीज़ों के दिए थे एंड उनके सब्सक्राइबर को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वीडियो फेक हो, इसलिए उनकी मदद किसी ने भी नहीं की एंड रेबेका उस वीडियो को डिलीट ना करके वहाँ से चली जाती है और इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए। आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के